चुड़ैल के नवरात्रि। बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी सुधा को डंडे से मार रहा होता है। उसकी बेटी जो कि 7 साल की थी, वो अपनी माँ को पिटता हुआ देखकर अपने पिता के पास जाती है और रोते हुए अपने पिता से बोलती है, बाबा बाबा माँ को मत मारो, माँ का व्रत है, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बाबा आज नवरात्र का पहला दिन है, माँ को मत मारो, इनकी तबीयत बहुत खराब है बाबा। ने हट जा तू मेरे सामने से, आज तो मैं इस औरत को मार मार कर इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। आज इसकी वजह से मेरी दारू नहीं आ पाई, क्या जरूरत थी इसे नवरात्र के व्रत रखने की, ना ये व्रत रखती ना इसकी तबीयत खराब होती और ना ही ये घर में बैठे बैठे खाट तोड़ती, ये सब कुछ तेरी माँ ने जानबूझकर किया है। बाबा माँ को छोड़ दो, जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती मैं आपको पैसे ला कर दूंगी, अब माँ के बदले में मैं फूल बेचा करूँगी, बस आप माँ को छोड़ दो बाबा। परंतु हरिया अपनी बेटी की एक नहीं सुनता और अपनी बीवी को डंडे से मारना फिर से शुरू कर देता है। हरिया अपनी बीवी को मार ही रहा होता है कि तभी उसका डंडा कोई पकड़ लेता है। हरिया अपनी पूरी जान लगाता है पर वो सुधा को मार नहीं पाता। ये देखकर हरिया थोड़ा डर जाता है और डंडे को छोड़ देता है। कुछ देर बाद तेज हवाएं चलने लगती हैं और उसके घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजा खुलने के साथ ही उसे घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। वो घुंघरू की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। ये देखकर हरिया डर जाता है और खाट पर गिर जाता है। अब हरिया उठने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और उसकी गर्दन को पकड़कर उससे बोलती है, तुझे शर्म नहीं आती अपनी बीवी को डंडे से मारते हुए, वो भी जब वो नवरात्रि के व्रत कर रही है, सुबह से वो भूखी है, ऊपर से उसकी तबीयत खराब है और तू उसे उसकी तबीयत के बारे में ना पूछ कर उसे मार रहा है। अब नहीं मारूंगा, छोड़ दो मुझे। सुधा चुड़ैल को अपनी रक्षा करते हुए देखकर हैरान होती है, परंतु अपने पति की जान खतरे में देख सुधा चुड़ैल से विनती करती है और बोलती है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और यहाँ किस मकसद से आई हो, पर मैं अभी इतना जानती हूँ कि मैं माँ दुर्गा की भगत हूँ, मुझे पता है माँ दुर्गा मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगी, मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है कि मेरे पति बहुत जल्दी सुधर जाएंगे, उन्हें छोड़ दो, वो अब से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज मेरे पति को जाने दो। अरे ओ सुधा, मैं सुधर जाऊंगा, नहीं मैं सुधर गया हूँ, अब इस चुड़ैल से बोलो कि मुझे जल्दी से छोड़ दे ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर सकूं, तुम सुबह से भूखी हो ना। हरिया की बात सुनकर और सुधा के कहने पर हरिया को छोड़ देती है। चुड़ैल जैसे ही हरिया को छोड़ती है, हरिया जल्दी से घर से निकल जाता है और सुधा के लिए कुछ फल फ्रूट लेने चला जाता है। इसी बीच मुन्नी चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा डरी सहमी होती है और एक कोने में बैठकर रो रही होती है। चुड़ैल मुन्नी को रोता देख उसके पास जाती है और उसके आंसू पोंछकर उससे बोलती है, डरो मत बेटा मुन्नी, मैं तुम्हारे माता पिता का यहाँ कुछ बुरा करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ अपने अधूरे नवरात्रि पूरे करने आई हूँ। ये सुनकर सुधा हैरान हो जाती है और चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल की नवरात्रि, चुड़ैल भी माता रानी के नवरात्रों को करती है, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। सुधा जैसे तुम माँ दुर्गा की भक्त हो, एक समय पर कभी मैं भी इस तरह से माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी, सुबह होते ही मैं नहाती धोती और दुर्गा माँ की सेवा में लग जाती थी, परंतु मेरा पति एक नंबर का शराबी था, वो मुझे प्यार तो बहुत करते थे पर दारू के सामने उन्हें कुछ नजर नहीं आता था, ऐसे ही एक बार की बात है। इतना बोलकर चुड़ैल अपने बारे में सुधा को बताती है कि किस तरह से आज से कुछ साल पहले नवरात्र के दिनों में उसने नवरात्र के व्रत रखे हुए थे, वो पूरे दिन काम करके थकी हारी घर जाती थी और दुर्गा माँ की पूजा करने लगती है, तभी उसका शराबी पति आता है और उससे पैसे मांगने लगता है, परंतु आज उसके पास पैसे नहीं होते क्योंकि उन पैसों से उसने माता रानी की पूजा का सामान ले लिया था। ये बात जैसे ही चुड़ैल अपने पति को बताती है, उसका पति अपना आपा खो देता है
है और उसे पीटने लगता है। वो उसे इतना मारता है कि उसे पता नहीं चलता कि कब उसने अपने ही हाथों से अपनी बीवी की जान ले ली। जब सुबह होती है तो वो देखता है कि उसकी बीवी मर चुकी है और जब उसे एहसास होता है कि उसकी बीवी की जान उसकी और उसके नशे की आदत की वजह से गई है तो वो नवरात्रि के समय में ही खुद को फांसी लगा लेता है। बस बहन, तभी से मैं भटक रही हूँ अपने उन नवरात्रों को पूरा करने के लिए। मैं हर साल इस गांव में आती हूँ, नवमी वाले दिन कंचका बिठाती हूँ, परंतु जब भी कन्याओं को मैं भोजन करवाती हूँ वो मेरे असली रूप देखकर डर कर वहाँ से भाग जाती है। इस तरह से मेरे नवरात्र अधूरे हैं, जो पूरे नहीं हो पा रहे। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए ताकि मैं अपने अधूरे नवरात्र पूरे कर सकूं। कौन कहता है कि सारी चुड़ैलें बुरी होती है? आज तुमने मेरे पति को सुधारा है, मेरे गृहस्थी को सुधारा है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी बहन। मैं अपने नवरात्र के साथ तुम्हारे भी नवरात्र को पूरा करवाऊंगी। जिस दिन कंचका खिलाई जाएगी ना, उस दिन तुम मेरे साथ उन 9 कन्याओं की पूजा करवाना और उनको कंचका खिलाना। मैं भी कंचका में बैठूंगी, तुम मुझे भी कंचका खिलाना। हाँ बिल्कुल। अब चुड़ैल सुधा के घर में रहकर अपने नवरात्रों को पूरा करती है और हरिया भी अब पूरी तरह से सुधर जाता है और शराब पीना बंद कर देता है। साथ ही वो अब बाहर काम भी करने लगता है और सुधा के हाथों में कुछ पैसे भी देने लगता है। देखते ही देखते नवरात्रि के 8 दिन बीत जाते हैं और सुधा चुड़ैल के साथ मिलकर 9वें दिन कंचका खिलाती है। परंतु जब छोटी छोटी बच्चियां चुड़ैल को देखती हैं तो वो डरकर भागने लगती हैं। परंतु मुन्नी अपने सारी दोस्तों को बिठा देती है और उन्हें सब कुछ बताती है, जिसके बाद सारी कन्या आराम से बैठकर चुड़ैल के हाथों से कंचका खाती है और इस तरह उस चुड़ैल के नवरात्रि पूरे हो जाते हैं। नवरात्रि पूरे होते ही चुड़ैल को मुक्ति मिलती है और वो हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है।